जी आपका क्या नाम है? दर्शना देवी इंसान। आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? 1997 में लिया। आपको क्या लगता है डेरा में जो भी न्यूज के बारे में दिखाया गया है डेरा को लेके, वो गलत है या सही? ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद। जो लड़कियां डेरा में जाती हैं वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होंगी? वो अपने घर में सुरक्षित नहीं जो वहाँ है। जैसा कि आप एक महिला हैं, आप भी डेरा जाती होंगी लगातार, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपको वहाँ जाते हुए डर नहीं लगता किसी तरीके का? बिल्कुल भी नहीं, घर पर डर लगता, वहाँ नहीं लगता। आपका क्या मानना है जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल झूठे, बेबुनियाद, बिल्कुल। आपका अपने गुरु पे आज के समय में कितना विश्वास है? पहले से भी ज्यादा। आप क्या चाहते हो कि सत्संग होने चाहिए, आपको क्या लगता है सत्संग आगे होने चाहिए या फिर रोक देने चाहिए? सत्संग पहले से भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि समाज में इतनी बुराइयां बढ़ रही हैं जिसका कोई हद नहीं। सत्संग बहुत जरूरी है ताकि आज की पीढ़ी नौजवान सुधरे, नशों से बचे। गुरु जी ने इस देश के लिए क्या किया है? बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, किसी के मकान बनवा के दिए, किसी को पढ़ाई करवा के दी है, मतलब किसी को भूखों को राशन दिया है, बहुत कुछ करवा के दिया है। और आज वैश्याओं के लिए क्या किया है गुरु जी? वैश्यों के लिए बेटी बना के उनका इलाज करवा के शादी करवाई है उनके अच्छे अच्छे घरों में। आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बेबुनियाद फंसाए गए हैं, है? भाई दया करो, रहमत करो, इस संसार पे करो कम से कम। आप उन पे ना करते तो कम से कम संसार पे तो करो, ताकि ये सुधर जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सुन रहे हो लगातार कि लोग कह रहे हैं कि दया करो गुरुजी पे नहीं, इस संसार पे। लगातार गुरुजी को बुलाने की गुहार हो रही है, इसलिए नहीं कि गुरुजी को ये चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये समाज का भला चाहते हैं। अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हमें बताएं कि क्या है सच। धन्यवाद।